हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सिल्वर बॉक्स गेमर यूट्यूब चैनल का और एक नया वीडियो में। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे हो एंड बढ़िया हो और आगे भी अच्छे रहना। तो भाई लोग आज अपन खेलेंगे रैंडम प्लेयर के साथ स्क्वाड रैंक मैच। तो भाई लोग वीडियो में क्या होता है सब कुछ देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, क्या हम लोग बुइया कर पाएंगे या नहीं। तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इलेट पास लिया था, तो इलेट पास का थोड़ा कलेक्शन में क्लेम कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए। और भाई लोग एक बात बोलना चाहते, वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही है रैंडम प्लेयर कैसा होता है, अलग अलग रहता है, तो बहुत कुछ है वीडियो में भाई लोग। तो क्या बोलूँ, आगे आप लोग देखेंगे। तो भाई लोग ये थोड़ा मैं इलेट पास का जो मतलब इलेट पास लिया था मैंने बहुत दिन पहले, तो ये सब क्लेम नहीं किया, तो आज क्लेम कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए क्या क्या, ये ग्रेनेड का स्किन है और ये एक टी शर्ट मिल गया। तो भाई लोग वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैं यहाँ पे, तो नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वैसे भी आज का वीडियो थोड़ा लंबा ही है। तो देखिए यहाँ पे एक लूट बॉक्स, भाई लूट बॉक्स का तो ही जहर है, ये लूट बॉक्स बहुत ही शानदार है। तो भाई लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरा गेम प्ले मतलब जो रैंडम प्लेयर के साथ जो मैं खेला था वो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए हमारा जो मेन टॉपिक था वो रैंडम प्लेयर के साथ रैंक मैच वो देखिए। तो भाई लोग यहाँ पे मैं लैंड करने वाला हूँ पीक में, तो भाई पीक में लैंड करने से मतलब सही लैंडिंग नहीं हुआ, क्योंकि मेरा आप लोग देखा ही था मेरा 99 हो गया था पिन। भाई लोग बार बार ही मेरा पिन 99 हो जाता है, 100 में 90% मैच में मेरा पिन हाई हो जाता है, क्योंकि हम भाई गांव का है तो नेटवर्क बहुत ही मतलब उस टाइप का रहता है, मतलब क्या बोलो आप लोग समझ जाओ। तो मेरा लैंडिंग के मतलब 99 प्लस हो गया नेटवर्क, इसलिए थोड़ा लैंडिंग गलत हो गया। तो गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीक में कोई बंदा नहीं आया था, क्यों पता नहीं पीक में एक भी स्क्वाड नहीं आया। तो मेरा रैंडम प्लेयर भाई ये तो भाई बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेयर भाई। मैं भाई मेरा ड्रेसअप देखो, मैं थोड़ा नुब्रा ड्रेस पर पहन के आया, ताकि उन लोगों को लगे कि मैं थोड़ा मुझे खेलना नहीं आता है। फिर भी मुझे खेलना नहीं आता ज़्यादा, फिर भी ये ड्रेस पहन के आया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे खेलना नहीं आता है, तो वो लोग अपनी अपनी सेफ्टी के साथ खेलेगा, मेरा ऊपर कोई भरोसा नहीं रखेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब जो नुब्रा ड्रेस पहन के आ गया। तो चलिए भाई, इधर एक बंदा था मुझे लगा, तो चलिए बंदे को मैं पीछा करता हूँ थोड़ा। मेरे पास अभी ग्लोअल नहीं है, तो मैं नीचे से जाऊँगा साइड से जाके पीछे से उसको, अगर है तो बंदा उसको मारूँगा। तो चलिए इधर आ गया मैं, और पिक की जो घर है इसका नाम मल्टी विंडो क्या है पता नहीं है, तो उसके पास आ गया, ऊपर जाएंगे जाके देखेंगे बंदा है क्या या नहीं। इधर से जाऊँगा क्योंकि बंदा दरवाजे के पास अगर बैठे रहेंगे तो मुझे मार देगा आराम से, तो इसलिए इधर से चुप चुप के आया। तो इधर मुझे मिल गया MP40 का कुछ एमुस, मेरे पास एमुस नहीं था तो मिल गया, बहुत ही अच्छा हुआ। तो भाई ये बंदा नहीं था शायद, तक मैं शायद गलत देख लिया था बंदा था, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। तो भाई मुझे 2 का स्कोप भी मिल गया, बहुत ही अच्छा है। तो भाई मेरा जो मतलब गन कॉम्बिनेशन है वो मुझे मिल गया परफेक्ट, मतलब मैं ड्रैगन है कैसे खेलता हूँ और MP40 से, तो वो दोनों मुझे मिल गया। तो भाई लोग देखो, रैंडम प्लेयर के साथ खेलने का एक प्रॉब्लम होता है, वो लोग भाई कहाँ चला जाते हैं पता नहीं। तो वो लोग देखो मुझसे बहुत दूर चला गया, तो मैं अकेला भाई मैं इतना प्रो नहीं कि अकेला चार पाँच बंदे के साथ फाइट ले सकता हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ ही जाऊँगा, जाके उन लोगों के साथ रहूँगा ताकि मुझे बंदा मार ना दे। तो वैसे भी ये स्क्वाड थोड़ा अच्छा वाला स्क्वाड है मुझे लग रहा है, ये तीनों एक साथ का है, मैं अलग हूँ, तो उन लोगों के साथ रहूँगा तो मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, थोड़ा क्या है वो किल भी चुरा सकता हूँ और थोड़ा डैमेज भी दे सकता हूँ, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और मैं अगर नॉक हो जाऊँगा तो उन लोगों के पास रहूँगा तो मुझे रिवाइव भी कर देगा। तो भाई ये बंदा बहुत ही सही लग रहा है मुझे, ये बंदा मेरा साथ जो है भाई बहुत ही अच्छा लगता है, इसका नाम है हसन भाई, बहुत ही मतलब मेरे से, मैं तो नोब हूँ तो वो ज़्यादा प्रो ही लगता है मुझे। तो मैं इस बंदे को मतलब फॉलो करूँगा, इस बंदे के साथ जाऊँगा, मुझे लगता है ये दोनों बंदा भी उसको ही फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी उसको ही फॉलो करूँगा।
तो चलिए उसके साथ साथ ही रहूँगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा। तो भाई पीक में तो एक भी बंदा नहीं मिला, तो अभी बीमा शक्ति पे आ गया, वहाँ पे भी बंदा नहीं मिल रहा है। भाई क्या बोलूँ, सभी बंदा मतलब सर्वाइव कर रहे, देखो ना अभी तक 40 बंदा अलग है, मतलब कतई चिमकन डिग्री कर रहे सारे के सारे बंदे। भाई सीजन ख़त्म हो रहा है फिर भी सारे के सारे बंदे ऐसे मतलब सर्वाइव कर रहे, क्यों पता नहीं। मैं तो इस सीज़न को भाई बंदा रुको एक डाउन, इसको भाई पूरा ख़त्म करना चाहूँगा, तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, मैं इधर से जाके ख़त्म करूँगा। तो भाई ओ भाई इसको मार दिया, किसी ने मार दिया उसका दोस्त को, तो ये अपना आप भी मर गया। तो मुझे मिल गया मेडिकेट और भाई थोड़ा एमोस मिल गया। तो मैं लूट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्यों पता नहीं, मेरा हाथ थोड़ा स्लो है तो लूट करने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो इसलिए बहुत टाइम ऐसा भी आया कि भाई मैं एक बंदे को मार के लूट कर रहा हूँ और उसके साथ ही आके मुझे मार दिया, ऐसा भी हुआ बहुत बार। तो फिर भी मेरा ये मतलब सही नहीं हो रहा है, फिर भी मैं लूट करने में टाइम लगा देता हूँ तो बंदा के मार देते। तो भाई मैं जब बंदा नहीं मिल रहा तो मुझे पूरा मैच भी देखना है और बंदा भी नहीं मिल रहा, इसलिए मैं थोड़ा जो गेम का स्पीड मोमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया। जो मेन मोमेंट है मतलब जहाँ पे बंदा मिलता है और हम लोग फाइट कर रहा हो, तो उस जगह को छोड़ के बाकी सारे जगह को हम मतलब बाकी सारे जो मोमेंट है उसको थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर दिया, क्योंकि ये फालतू में आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊँगा, इसलिए उस जगह को थोड़ा स्पीड करके दिया और कुछ नहीं। और भाई ये क्या पता बोलूँ भाई, अभी भी 36 बंदे अलग है, हम लोग बीमा शक्ति से घूम के आया और अभी क्लॉक टावर पे फिर भी बंदा नहीं मिल रहा। भाई क्या चिमकन डिग्री कहते ही चिमकन डिग्री हो रहा है। तो भाई लोग अभी हम लोग जाएंगे, भाई वो हसन भाई, उसका नाम हसन, हाँ भाई वो बहुत ही भाई उस टाइप का मतलब कहते ही जहर वाला बंदा है वो, देखो ना भाई इधर से उधर उधर से उधर भाग रहा है, हम लोगों को शांति नहीं दे रहा। तो चलो उसको ही फॉलो करूँगा, बोला था तो उसको ही फॉलो करो। भाई आप लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई अगर आपके ग्रुप में मतलब स्क्वाड में कोई अच्छा बंदा होगा ना तो उसको हर वक्त फॉलो करते रहो, क्योंकि भाई उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी फ़ायदा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा और तुम्हारी स्क्वाड को भी फ़ायदा होगा। तो भाई अभी डेंजर आया है तो मैं सामने नहीं जाऊँगा, आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो पता ही है मैं क्यों नहीं जाऊँगा। भाई मैं खामोखा भाई उस दिन फालतू में मर गया था, ये डेंजर मुझे ख़त्म कर दिया था, तो अभी मैं रिक्स लेना नहीं चाहता हूँ। तो भाई लोग अभी तक बंदा मिल ही नहीं रहा है, इधर उधर घूम रहा हूँ। तो भाई लोग एक बात आप लोगों के लिए भाई एक अच्छा वाला बात है, मतलब आप लोगों के फ़ायदे के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। भाई जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट, और भाई अपने जितने सारे दोस्त हैं सबके पास शेयर कर देना मेरे वीडियो को, ताकि वो लोगों को भी पता चले और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। भाई मैं अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर नहीं बोलना चाहता हूँ मुझको, तो भाई तो फिर भी बोल रहा हूँ, मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है भाई, उसको सपोर्ट करो आप लोग, आगे लेके जाओ, बड़ा करो भाई, और क्या ही बोलूँ, और कुछ नहीं बोलना। और भाई और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा चैनल पर इस मंथ की मतलब ये कौन सी मंथ है, अक्टूबर मंथ है, तो इस मंथ की लास्ट वीक में मतलब लास्ट वीक मतलब जो लास्ट का 7 डेज है उस 7 डेज में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें 2-3 भाई बंदा है रोको उसको मार ले, भाई उसको मार दिया तो लुटते भाई एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई इस मंथ की लास्ट वीक में मतलब लास्ट जो 7 डे होगा उसमें से एक दिन में 2-3 बंदे को आलो की भाई करूँगा, मतलब मेरा चैनल को आप लोग तो 1 के सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हो और मैं भी किसी को आलोक नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि हर मंथ की मतलब आपसे जितने भी मंथ होगा सब मंथ में मैं 3-4 आलोक की भाई करूँगा, मतलब ये सिर्फ जिस बंदे के पास आलोक नहीं है उनके लिए है और जिसके पास आलोक है उसके लिए ये मतलब की भाई नहीं है। भाई क्यों नहीं है भाई, मैं 1 के होने के बाद सबके लिए भाई अलग अलग कंटेंट आएगा, अलग अलग मतलब गिव अवे आएगा। तो अभी मेरा 1 के नहीं हुआ तो मैं जिस बंदे के पास आलोक नहीं है मतलब जो मेरे सपोर्टर है जो मुझके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरा चैनल को मतलब चैनल पे रेगुलर एक्टिव है, मेरा हर वीडियो देखता है, तो उन बंदों के लिए मेरा एक छोटा सा ही भाई ये छोटा सा गिव अवे
मैं दो तीन चार बंदे को, हाईस्टली चार बंदे को हर मंथ में आलोक दूंगा। वो भी भाई जिसके पास आलोक है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास आलोक नहीं है उसको ही मारूंगा। भाई इधर बंदा है, चल। ओ भाई ये क्या हागने के लिए बैठ गया क्या, या फिर इसका नेटवर्क चला गया था शायद तक। तो भाई लोग क्या करो, और कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं इतना ज़्यादा, मतलब पैसा भी नहीं है मेरे पास कि ताकि मैं सबको दे पाऊँ। तो जितना हो सके मुझसे उतना ही करूँगा भाई लोग। तो मैं इस मंथ की मतलब लास्ट वीक में चार आलोक गिव अवे करने वाला हूँ। मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे सपोर्टर है, मेरे हर एक वीडियो देखते हैं और क्या बोलूँ, और लाइक कमेंट करते हैं, रेगुलर एक्टिव है, उनमें से मैं भाई चार बंदे को मैं आलोक दूँगा। मतलब और भाई चार बंदे को आलोक दूंगा तो ऐसा नहीं जो सबको दे दूंगा एक मंथ में, मतलब मैं हर मंथ में चार बंदे को दूंगा। मेरा भी 700 सब्सक्राइबर है, तो मैं सबको दे नहीं पाऊँगा। हर मंथ में चार चार बंदे को मैं आलोक देने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सके उतना ही सब मतलब मैं करने की कोशिश करूँगा भाई, और कुछ नहीं। तो इस मंथ में तीन चार बंदे को आलोक मिलने वाला है। तो भाई लोग इसी बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई लोग सब्सक्राइब करो पहले, उसके बाद चैनल पे हर वक्त एक्टिव रहो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, वीडियोस देखो, और भाई और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तो मतलब ऐसा ही करो, ऐसा करने पर मुझे थोड़ा भाई मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत हैप्पी लगेगा, और आप लोगों के लिए मैं अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊँगा। क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं भी ऐसे बोर हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँगा भाई। तो इसी बात में भाई मेरे को सपोर्ट करो, और क्या सपोर्ट करो, बार बार बोल रहा हूँ, और क्या बोलूँ, बार बार तो कोई बहुत बार बोल दिया सपोर्ट करने के लिए, तो और नहीं बोलूँगा भाई, सपोर्ट करते रहो और क्या। तो भाई लोग देखो अभी हम लास्ट मोमेंट पे आ गए, तो आपको जो बोला हो तो आप लोग समझ गया होंगे, और नहीं समझा तो फिर से वीडियो को थोड़ा स्क्राइब करके सुन लीजिए मेरा बात, और कुछ नहीं। तो भाई लोग अभी यहाँ पे दो तीन बंदे टावर पे, तो अभी देखेंगे क्या कर पाएंगे। ओ भाई एक डाउन कर दिया भाई, सब कितना अच्छे से एक डाउन कर भाई। ये ड्रैगन के का बहुत ही अच्छा वाला डैमेज है, इसको कैसे दो तीन गोली में ये डाउन हो गया। ओ भाई 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 ये क्या हो गया, मैं मर गया। अरे रैंडम बंदा है ये, मुझे रिवाइव भी नहीं करेगा लगता है। ओ भाई आ जाना रिवाइव कर मुझे भाई, क्या कर रहे है, कहते चिमकन डिग्री कर रहे भाई। ये ख़त्म, मेरा काम ख़त्म भाई। ये रिवाइव भाई, ये रैंडम प्लेयर के साथ खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम भाई, सब कहते ही चिमकन डिग्री भाई। इसको बोला ना इसका 7 किलो गया भाई, मैं मुझे रिवाइव कर सकता था ये लोग, लेकिन रिवाइव नहीं किया इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर दिया था, मुझे लगा कि इसको रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। तो बाद में उसकी मतलब गेम प्ले देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, तो लगा कि इसको रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ। रैंडम प्लेयर बहुत ही अच्छा खेला भाई ये, 7 किल भाई। इसका मूवमेंट देखो भाई, 64 लेवल का, बहुत ही अच्छा खेलता है ये बंदा, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड कर दिया। वो जो उसने जो दो बंदे को वहाँ पे जो दो बंदा मुझे ग्रेनेड से मारा था उसको मार दिया, तो वो मोमेंट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसके लिए सॉरी भाई। हसन भाई आपको भी सॉरी, आपका जो गेम प्ले उसको मैं रिकॉर्ड नहीं किया, तो करना चाहिए था। ओ भाई इसको ग्लूअल से सामने लेकर गया भाई, ये भी अच्छा ही खेलते है लगता है इसका, इसके ये दोनों तीनों एक साथ ही था। तो इसको ओ भाई मार दिया इसको भाई, सब कहते ही चिमकन डिग्री भाई, ये नॉक है। ओ भाई सब ये दोनों तो कहते ही जहर वाला गेम प्ले कर रहे हैं। तो अभी एक ही बंदा जिंदा है, तो उसको मारने के बाद हो जाएगा भुइया। क्या ये बंदा इन दोनों को मार देगा या हमारा स्क्वाड उसको मार देगा, क्या होगा। तो भाई लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना एक लाइक और कमेंट कर देना, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जैसे मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, लाल वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। तो बाय बाय दोस्तों, अच्छे रहना।